भाजपा नेताओं द्वारा वैश्य जाति का सार्वजनिक रूप से अपमान करने के संबंध में वैश्य समाज के लोगों ने कोतवाली में आवेदन देकर एफआईआर करने की मांग की। इस दौरान लोगों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा नेताओं को निष्कासित करने की मांग भी की गई। भाजपा नेताओं द्वारा वैश्य जाति का सार्वजनिक रूप से अपमान करने के संबंध में वैश्य समाज के लोगों ने कोतवाली में आवेदन देकर एफआईआर करने की मांग की। इस दौरान लोगों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा नेताओं को निष्कासित करने की मांग भी की गई। नवीन कोठारी ने कहा कि भाजपा के ये नेता जाति के सर्टिफिकेट बांटकर शहर में वैमनस्यता ना फैलाएं। राजनीति की पहचान उसके कार्यों और व्यवहार से होती है, ना कि जाति से। भाजपा नेताओं को गंदी राजनीति छोड़कर विकास के मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए। कांग्रेसियों ने भाजपा नेता मुकेश टंडर और श्याम सुंदर शर्मा को भाजपा से निष्कासित करने की मांग की। नवीन कोठारी के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आप जो श्याम सुंदर जी ने जो पूरे वैश्य समाज को जो अपमानित शब्द कहे हैं कि धूसर बनिया और इस तरह के आपत्तिजनक जो शब्द कहे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम श्याम सुंदर जी से कुछ पूछना चाहेंगे कि वो अपनी 7 पीढ़ी का सर्टिफिकेट दें हमें कि वो किस समाज से आते हैं, फिर दूसरों की समाज पे लांछन लगाएं। और मैं आप प्रेस माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मनीष भार्गव की केस कि फ़ाइल अभी तक क्यों नहीं खुली हुई है, 5 साल से ये क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है, पुलिस प्रशासन वो फाइल क्यों नहीं खोल रहा है जिसमें श्याम सुंदर के खिलाफ उनने मौत का वो मतलब आरोप लगा था। मनीष भार्गव कौन है, कहाँ रहते थे और क्या मामला खतरे का जीते? ये तो हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि मनीष भार्गव के इनके चक्कर में सुसाइड किया था, वो फाइल आज तक नहीं खुली हुई है, 5 साल से पेंडिंग पड़ी है, 2015 का 16 का केस है, वो फाइल भी खोली जाए। जो सब दूसरी समाज को अपमानित कर रहा है, हम लोगों को ये भी तो मालूम पड़े कि उसका खुद का कितना वो है। आज आप ऋषभ कोतवाली पहुँचे, क्या पूरा मामला है, किसकी नारे आप लगा रहे हैं? आज पिछले 2-3 दिनों से जो विदिशा में आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है, उससे दुखित होकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसके पूर्व में माननीय टंडन जी ने जो आरोप लगाए कि शशांक भार्गव जी सिरोन से आके विदिशा में राजनीति कर रहे हैं, कम से कम गनीमत है कि शशांक भार्गव जी ने विदिशा में आके राजनीति की सिरोंज से, क्योंकि वो विदिशा जिले के अंदर है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जिस टंडन जी ने ये बात कही है, वो ये भूल गए कि वो अशोक नगर के अंदर एक रहवासी थे, वो वहाँ से आके यहाँ पर राजनीति की। उसी के तारतम्य में कल दूसरी बार ये हुआ कि जो एक आगरा से यहाँ पर स्थापित हुए नेता के रूप में वर्तमान में, उनने आगरा के पास एक बहाय करके वहाँ पर तहसील है, और उसमें भी एक क्या नाम है गांव का, गांव से आए हैं और वो यहाँ आकर विदिशा में एक राजस्थान के आदमी को बताते हुए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये विदिशा में बड़े दुख की बात है। विदिशा में सब परिवारों को एक दूसरे की स्थिति पता है, और भार्गव साहब की बात अगर कर रहे हैं तो मैं ये बात कह देता हूँ, भार्गव साहब का इतिहास देखना हो भार्गव परिवार का तो सिरोंज में जाके देखें, और नहीं तो अपना इतिहास दोनों जने अपना पिछला इतिहास खोल के बता दें विदिशा की जनता को कि हम दोनों किस लेवल के थे, कहाँ से आए और विदिशा में हम क्या कर रहे हैं। इसे बर्खास्त की बात कर रहे हैं श्याम सुंदर जी की, हटा लिया उनने इन्हीं बातों से। जो लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे वो रुष्ट हैं, क्योंकि विदिशा के अंदर जो राजनीति थी बड़ी मर्यादित थी, अच्छे से होती थी, आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं लगते थे किसी के सम्मान में ठेस पहुँचे। ये जो शब्द